खबर राजस्थान के झालावाड़ जनपद से, जहां जिले की ग्राम पंचायत बकानी में राजीव गांधी सेवा केंद्र में राष्ट्रीय जल मिशन अभियान के तहत जल है तो कल है वह जल बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए बकानी सरपंच अंकित बरेठा, कनिष्ठ लिपिक विजय कुमार वर्मा, रोजगार सहायक लालचंद तांगी, पंचायत सहायक अशोक कुमार, आंगनबाड़ी कार्मिक व ग्रामवासियों ने जल बचाओ की शपथ ली। वहीं राजस्थान में मदरसा बोर्ड के पैरा टीचरों की समस्याएं व उनकी तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नियुक्त आदर्श नगर विधायक रफीक खान से जयपुर से झालरा पाटन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष फरीद चौधरी ने मुलाकात कर एक वर्ष पूर्व मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी मदरसा टीचरों और मदरसों का कोई उद्धार नहीं हुआ। इससे और चौधरी ने विधायक रफीक खान का ध्यान आकर्षित करवाया। फरीद चौधरी को खान ने जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सेवा नियम बनाने व मदरसों की समस्या दूर करने का भरोसा दिया है। इसी कड़ी में कोटा रोड वृंदावन में भी श्री कृष्ण गौशाला की 10 बीघा जमीन अतिक्रमियों से मुक्त करवाने की मांग को लेकर सैकड़ों गौ भक्त समाज सेवी शैलेंद्र यादव के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे व जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जल्द गौशाला के नाम रही 10 बीघा जमीन को अतिक्रमियों से मुक्त करवाने की मांग रखी है। नीलगढ़ झालावाड़ से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। गौशालाओं की जमीनों पर लगातार कब्जे, वर्षों से कब्जे हैं और आज आप लोगों ने कदम उठा लिया, क्या आश्वासन मिला प्रशासन से? आश्वासन तो अभी आपके सामने कलेक्टर साहब से मिला ही है। बस जिस तिरुपति से दूसरा अतिक्रमण पे प्रक्रिया करते हैं उसी तरह से हमारी जगह नाम से श्रीगढ़ गौशाला की जमीन है वृंदावन गांव में 2.2 एकड़ करीबन 10 बीघा, उसको अतिक्रमण मुक्त करावे। अगर अतिक्रमण मुक्त करवाते उसमें हरी चारे की व्यवस्था होगी, तो हमारे पास अभी प्रजेंट में 650-700 गोवंश है, कुछ गोवंश और आने 1100-1200 की कैपेसिटी है। इससे एक तो झालावाड़ केटल फ्री हो जाएगा, दूसरा हमें हरी चारे की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन करा कि आप शीघ्र गति से के नाम से उसका निराकरण करें और जमीन को हमें संभालें। कितनी जमीन का कब्जा है? जमीन पे तो करीबन 147 बीघा पे जो कब्जा है, लेकिन परजेंट में जो हमारे नाम बोल रही है 10 बीघा, वो तो कम से कम हमारा हैंड ओवर करा श्री कृष्ण गौशाला समिति के नाम। तो कुछ जमीन तो के नाम से कुछ व्यापारी लोगों ने एएचएम से मिलकर आज से 15 साल पहले खुद के नाम ही नामांकन करा ली। हमें डर ये कि बाकी बची जमीन भी कोई नामांकन नहीं करा ले, तो गौशाला की जमीन है वो, हमारा केस भी चल रहा है अजमेर रेवेन्यू कोर्ट में।